देखो, हाइट ही सब कुछ नहीं होता। तुम अपने ऊपर काम करो जिससे कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। क्या तुमसे कोई कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो आपका जो टॉपिक है आपको पता ही होगा, अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं, मतलब जो तुम्हारी पीक वाली हाइट है वो कैसे इंक्रीज होगी, जैसे मैंने अपनी की थी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी हाइट है 6'1", राइट। और मेरे जो फादर हैं उनकी है 5'8", और मेरी जो अम्मी हैं उनकी है 5'6", और जो मेरे मुझसे बड़े भाई हैं या मुझसे छोटे भाई हैं सबकी हाइट मेरे से कम है। तो मेरी हाइट इतनी कैसे ग्रो हुई उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो मेरे इंस्टाग्राम पर इतनी कमेंट आती हैं उन सब में कम से कम 95% कमेंट हाइट के लिए होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हाइट के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उसमें A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको इतना बताऊंगा आपकी जो पीक वाली हाइट है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो जैसे मैंने की थी। तो पहले मैं अपनी बता देता हूँ, जो मेरी हाइट है 6'1", क्या वो जेनेटिक्स पर डिपेंड है? लोग कहते हैं ना कि 80-70% हाइट डिपेंड होती है जेनेटिक्स पर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जेनेटिक्स वगैरह कुछ नहीं होते, अगर नहीं होती तो मेरी हाइट घर वालों से या मेरी फैमिली से ज्यादा नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगा मेरी पिछली जर्नी के बारे में। जब मैं शायद 9th या 10th क्लास में था उस टाइम हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिनका काम था सिर्फ पढ़ना और पूरे दिन खेलना। और हमें बड़ा शौक था स्पोर्ट्स या रनिंग, ये मान लो कि पूरे दिन हम क्रिकेट या रनिंग में ही रहते थे, या कह सकते हो कि हम स्पोर्ट एक्टिव रहते थे। और ये बहुत लंबे समय तक चला, और जैसे जैसे साल निकलते गए हमारा ग्रुप भी अलग होता चला गया और सब एक दिन धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर एक टाइम पर मुझे आकर पता चला कि मेरी हाइट आखिर कैसे ग्रो हुई, असली रीजन ये था। तो मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, अपनी जो पीक वाली हाइट है उसे बढ़ाने के लिए ज्यादा लोड मत लो, बस स्पोर्टली एक्टिव रहो। सिर्फ खाने से ही काम नहीं चलेगा, और वो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है या फुटबॉल हो सकता है या कह लो रनिंग हो सकता है। और हमारी एक एज होती है 14 से लेकर 18 तक, जब इस एज में हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा HGH यानी कि जो हमारा हार्मोन्स होता है वो इस एज में पीक पर होते हैं। और HGH पहला रीजन है जो हमारी हाइट ग्रो होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना HGH हमारी बॉडी में रिलीज होगा उतनी ही जल्दी हमारी हाइट इंक्रीज होगी। और एक सबसे बड़ी मिथ जो लोगों में ये है कि जो लोग उनसे कहते हैं कि जिम मत जाओ हाइट रुक जाएगी, अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि जिम मत जाओ हाइट रुक जाएगी वगैरह वगैरह, तो मैं आपको सच बता दूं ये सब फालतू की बातें हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत हैं, लेकिन तुम्हें कौन सी बॉडी बिल्डिंग करनी है इतनी जल्दी? नॉर्मली जिम कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। देखो मैंने भी स्टार्टिंग में हैवी लिफ्टिंग की थी, हैवी लिफ्टिंग कह दो या ईगो लिफ्टिंग, ऐसा करने से आपकी हाइट तो नहीं रुकेगी लेकिन हाँ इंजर्ड जरूर हो जाओगे। ये सब छोड़ो, आप नॉर्मली जिम करो, रनिंग करो, जितनी हाइट बढ़नी होगी बढ़ जाएगी। और जिस एज में हमारा HGH रिलीज होता है उस चीज को वो लोग रोक देते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा जंक फूड्स खाने लगते हैं या पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, फिर उनके पेरेंट्स इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनकी बच्चों की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हें एक्टिव रहना होगा, चाहे वो जिम में रहो चाहे वो बाहर रहो रनिंग वगैरह या क्रिकेट वगैरह खेलकर, स्पोर्टली तुम्हें एक्टिव रहना होगा। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो तुम्हारे सामने है यानी कि मैंने 18 की एज में ही जिम स्टार्ट कर दी थी, और मेरी हाइट पर्सनली बता रहा हूँ 20 के बाद भी बढ़ी। लोग कहते हैं कि 20 के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ने का भी एक टाइम होता है उसके बाद नहीं बढ़ती, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा। और मैं एक बात उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा जो 24 से 25 की एज में हैं और बहुत टेंशन में हैं हाइट को लेकर, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अब जो तुम्हारी रिसेंटली में हाइट है, क्या तुमसे कोई कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है? देखो हाइट ही सब कुछ नहीं होता, तुम अपने ऊपर काम करो जिससे कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगोगे, जैसे वो ग्रूमिंग है या एक अच्छी फिजिक बना लो। हाइट को लेकर ज्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। बस यही था मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं अपलोड करता रहता हूँ, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बस ये जो लाल वाला बटन है इस पे अपना पंजा मार देना। बाकी हाइट इंक्रीज की पूरी प्लेलिस्ट मैं अपलोड करता रहूंगा, बस आप देखते रहना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।